जिस किसी को कटिंग का चाहिए तो उसका तो मान लो मंडी वंडी से लाके एक दो दिन में मालम दे देते उसको, ठीक है। और लोग बोलते हैं हम कटिंग का जंगल से लेके आते हैं, वो लेके आते हैं, कहीं से नहीं, मंडी से लाया जाता है कटिंग का माल। बाकी जंगल में जैसे फार्मिंग मालम उठाते हैं एक दो जानवर, तो वो फार्म का माल जैसे अपन जंगल में जा रहे हैं, किसी के पास में 5 बकरे हैं तो 5 के 5 उठाऊँगा तो वो कटिंग में चले जाएंगे, अगर उसमें से 2-3 बच्चे मैं अच्छे निकालूंगा तो फार्मिंग का माल हो जाएगा। माल तो एक जगह से आ रहा है, पूरा कटिंग का माल भी उधर से आ रहा है, जंगल का माल भी उधर से आ रहा है, जंगल जो मंडी में भी माल जा रहा है वो भी जंगल से जा रहा है। ये नहीं भाई मंडी पैदा कर रही है माल, मंडी तो पैदा ही नहीं कर रही है, जंगल से जा रहा है पूरा माल। तो वही बात है कि भाई किसी फार्मर के पास में 10 जानवर है, उसमें से मैं इन्होंने जैसे मान लो इसमें से बोल रहे 5 जानवर लूँगा, तो ये 5 जानवर जो कर रहे चॉइस कर रहे हैं ना, वो इनकी पसंद हो गई, तो वो किसान यही बोलेगा कि भाई मैं इसकी ये रेट लूँगा, 1000-1500 ज़्यादा ही बताएगा वो। अगर ये मान लो उनके उसके पास पूरा 10 है, वो 10 के 10 बेचना चाह रहा है, ये बोल रहे हैं हम 10 के 10 लूँगा, तो वो थोड़े अच्छी रेट में आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके राज व्लॉग में। दोस्तों आज हम आए हैं नरवर में, और ये किशनगढ़ के पास में गाँव है, और गणेश भाई के पास में हम आए हुए हैं, और काफ़ी शानदार जो बकरे हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो गणेश भाई नमस्कार। हाँ जी भैया नमस्कार। लोकेशन ये नरवर है ना? हाँ नरवर का। अच्छा, कितने साल से काम कर रहे हो जी आप? हमको काम करते हुए 4 साल हो गए। 4 साल हो गए? हाँ जी भैया। अच्छा, तो ये कितने हैं अभी आप? ये अभी 60 पीस है। 60 पीस? हाँ जी, टोटल 60 पीस। ये कौन से पालन वाले हैं या इसमें फार्मिंग वाले हैं? टोटल फार्मिंग वाले। टोटल फार्मिंग वाले सारे के सारे फार्मिंग। ये जो वजन है इनका वो कितना रेशो कितना है? इसे वजन 30 से 35 केजी एवरेज है। 30 से 35। सारे मेल हैं या फीमेल? मेल है, इसमें कम से कम 40 मेल है, 20 फीमेल है। 40 मेल है? हाँ। दिखाओ वो वाला, दिखाओ वापस। ये माल का कलेक्शन मेरा भाई वगैरह, मेरा पार्टनर वगैरह है। अच्छा। ये लोग करते हैं। अच्छा, ये पार्टनर। हाँ एक जना मतलब कलेक्शन नहीं कर सकता। नहीं, एक के बस की बात है ही नहीं ये काम। कम से कम इसमें ग्रुप चाहिए, 2 या 3 लोग चाहिए। हाँ जैसे हाँ माल खरीदना भी होता है, बाहर से भी हम माल लाते हैं, जैसे मान के चलो बाहर का ऑर्डर आ गया हमारे पास तो पंजाब वगैरह भी हमको जाना पड़ता है, और हर जगह से माल आता है क्योंकि अलग अलग ब्रीड का अलग अलग एरिया है, उस हिसाब से। ये मेल है या मेल होगा? ये मेल मेल। वजन क्या होगा भाई इसका? ये 25 से 30 केजी। तो सर जी नमस्कार। नमस्कार। तो ये भाई ये बताइए आप किसमें इतने जो रेशियो क्या है इनका वेट का? वेट का रेशियो अभी हमने वजन किया है इनका। अच्छा। पूरे जानवर का वजन करके, ये लंका की कोई पार्टी है उसको पूरा माल दिया हमने ये। अच्छा। तो अभी जो रेशियो आ रहा है वजन का, जैसे बकरों का समथिंग 32 केजी एवरेज आ रहा है, और बाकी बकरियों का एवरेज आ रहा है 40 केजी तक। अच्छा, तो इन्होंने मिक्स में लिया है? मिक्स में लिया है इसने, इसमें समथिंग 15 बकरी है और बाकी 45 या 47 के समथिंग बकरे हैं। ये आगे सेल करेंगे या खुद पालन करेंगे, क्या रहता है? ये जैसे जो बकरे लिए है ना इन्होंने, वो तो कुर्बानी के पर्पज से लिए उन्होंने। अच्छा। कि जैसे भाई अभी जो लेके जा रहे सब अदंत बच्चे हैं, 7-8 महीने के समथिंग के, बाकी ये जैसे 4-5-7 महीने और रख के जैसे कुर्बानी पे इनको रेडी करके फिर सेल करेंगे। अच्छा। इसके अंदर आप क्वालिटी मुझे बता दो। क्वालिटी देखो, ये अभी जैसे ये खस्सी बकरा, हाँ। ये अभी अदंत है, अभी अदंत बच्चे है, ये देखो अदंत बच्चे, ये अभी समथिंग इसका बॉडी वेट है समथिंग 45 केजी। हाँ, अब ये आगे जाके ये 6 महीने तैयार करेगा तो इसका वजन जाएगा 75 केजी तक। बिल्कुल 75 केजी तक जाएगा ये वजन। इसकी जैसे लेंथ वगैरह ग्रोथ करने की जो इसमें गुंजाइश है काफी है, मतलब जी हाँ इससे ग्रोथ करेगा। हाँ, इसकी जो गुंजाइश इसके अंदर लग रही है। जी जी। जैसे इसका हाइट है, इसकी जो लेंथ वगैरह है, इसी हिसाब से आप कह रहे हो मतलब आगे भी बढ़ेगा। ये भी 8 महीने की एज है इसकी, अभी 8 महीने में ये 45 केजी गेन कर रहा है, तो आगे जाके अब आप खुद सोचो कि 1.5 साल का होगा तो समथिंग 70 केजी तक ये पहुंच जाएगा। 70-75 अजमेरा। ये सिरोही है, ये भी अदंता भी बच्चा, ये भी 6-7 महीने का बच्चा है, इसका बॉडी वेट समथिंग 32-35 केजी के समथिंग है। बिल्कुल। अच्छा, और इनके अलावा बाकी इनको हमने बकरियां भी दी है, बाकी बकरे भी दिए। जैसे ये भी देखो, ये सिरोही है, ये भी अदंत बच्चे हैं, ये देखो क्वालिटी एक नंबर है पूरे। देखो ये, देखो ये भी खस्सी बकरा है, अदंत बच्चे है अभी। देखो ये खस्सी है। खस्सी कितने हैं? और ये इसमें ज़्यादातर समथिंग मैंने खस्सी दी है, अंडुल समथिंग 15 बकरे होंगे। अच्छा, बाकी ज़्यादातर खस्सी है। खस्सी आपने करके ही दिए या? नहीं, खस्सी खरीद के ही मैंने माल खरीदा है। हाँ, जैसे ये स्पोर्ट में देखो ये खस्सी, ये समथिंग 40 केजी का, 40 के समथिंग बकरा है ये। हाँ, अजमेरी सिरोही है, और ये भी अभी अदंत बच्चे है, ये समथिंग 40 किलो वजन पकड़ रखा है अदंत। देखो बिल्कुल अदंत बच्चे। तो मिक्स में भी आ गया इसमें एक, हाँ इसमें दो चार बकरे, इनका खुद का कहना था कि हमको दो चार बकरे ब्लैक में मिक्स दो, तो इनको कोई माताजी के चढ़ाने के लिए चाहिए थे, इसलिए ये इनकी खुद की चॉइस थी। आगे सेल करेंगे तो उनकी चॉइस के हिसाब से भी, बिल्कुल डिमांड के हिसाब से, बिल्कुल डिमांड के हिसाब से। ये तो इनको एक्सपीरियंस हो जाता है कौन सी डिमांड आगे रहेगी या नहीं रहेगी। बिल्कुल। अच्छा, तो आप अभी जो कौन कौन से ब्रीड के आप इनको दे रहे हो? मैंने इनको अजमेरी, शिरोई, ये दो ही ब्रीड दिए मैंने इनको, बाकी दो चार ब्लैक बकरे इन्होंने अपनी चॉइस से लिया। अच्छा, फीमेल आप दिखा दो। बिल्कुल। फीमेल आपने दो दांत की दी है या आदम की दी है? ये फीमेल देखो, ये फीमेल दो दांत में, ये अजमेरी है, ये मात्र दो ही दांत में, और ये बकरी शिरोई में आ गई, ये शिरोई, ये चार दांत है। पटी होगी या ये नहीं? वो पट है, ये ब्याह चुकी है एक बार, हाँ ये ब्याह चुकी, हाँ ये कम उम्र में ब्याह गई, उसका अभी तक एक बार भी ब्याह नहीं हुआ, इसलिए ग्रोथ अच्छी ग्रोथ है उसकी। हाँ अभी ये देखो, ये भी पट है, ये भी एक बार भी नहीं ब्याई हुई है। अच्छा। ये भी दो दांत में। अच्छा। जैसे एक बकरा और दिखाना चाहूंगा मैं, अभी ये बच्चा देखो, ये बच्चा अभी अदंत है, ये अदंत खस्सी है, अदंत बच्चे है, दांत आप देख सकते हो, कैमरे में दिखा सकते हो अपने व्यूअर्स को, देखो अदंत बच्चा, कम से कम 50 किलो वजन है इसमें भी, और काफी अच्छे जो ग्रोथ वाले। बिल्कुल बिल्कुल। इनको खुद को हमने साथ लेके जंगल से परचेज किया है, पूरा माल एक एक जानवर दिखा दिखा के परचेज किया। आप बोलो तो मैं पार्टी का भी इंट्रोडक्शन दिलवा सकता हूँ आपको। कर सकते तो करवा, बोला नारायण ने, बोला पार्टी अगर कलेक्शन के टाइम में साथ जाती है तो जी चॉइस रह जाती है कि कौन सा निकालना नहीं निकालना, अगर यहाँ आके फिर वो ये नहीं करती यार ये मतलब मेरी चॉइस तो नहीं। जैसे इसमें ये है कि भाई जैसे पार्टी को साथ ले जाने का मकसद ये है कि अलग अलग पार्टियाँ आती है, अब कोई पार्टी को कैसा माल चाहिए, कोई को कैसा चाहिए, तो हमको वो होता है कि उसमें नुकसान वाला काम हो जाता है। अब जैसे हम जंगल से लेके आ रहे 50 बकरे, अब पार्टी इधर आने के बाद में बोलती है कि मेरे को 25 ही चाहिए, तो वो 25 बकरे हम क्या करें, फिर मंडी बेचे उनको या किसी और कस्टमर को दे, तो उसमें क्या होता है कि हम जैसे ट्रेडिंग का काम है मेरा, अब मैं यहाँ फार्म पे रख नहीं सकता, मेरे पास कटिंग का भी ऑर्डर आता है, फार्मिंग का भी आता है। मान लो फार्मिंग के मेरे पास 25 बच्चे रह गए, कटिंग का कोई ऑर्डर आ गया, वो मिक्स हो गया तो वो माल बीमार हो जाता है, तो हाँ, तो उस हिसाब से पार्टी को साथ लेने का मतलब यही है कि भाई हमारा पूरा माल सिलेक्टेड हो जाए, पार्टी भी खुश और हम भी खुश, हमारा माल भी पूरा चला जाए। शायद ऐसा हो जाए कि कुछ उसके अंदर बीमार भी आ जाए, जैसे पार्टी जा रही है साथ में, जी जी, आप भी पार्टी के साथ में, जी जी, और कुछ बीमार हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि जो आपको ये पार्टी पसंद नहीं आए बात के लिए, तो उसका क्या होता है? उसमें अगर पार्टी को नहीं पसंद आ रहा था तो हम वो माल हम खुद रखते हैं, नहीं हम खुद रखते हैं हमारे पास, बिल्कुल हम हमारे पास रखते हैं, उनको चाहिए कोई बीमार माल आ गया तो उसको मंडी हम खुद बेचते हैं उसको, बिल्कुल, या फिर किसी कटिंग में उसको माल को हम डालते हैं। बात कर बाकी ये नारायण जी, इनको मैंने माल दिया है ये। नमस्कार सर जी। नमस्कार। कहाँ के हैं सर आप? हम लोग कर्नाटका का है। नाम क्या है जी? नाम अपना एलंका। हाँ पहली बार लेके जा रहे हो? हाँ पहली बार ही। पहले कहाँ से लेते थे आप? पहले किधर से नहीं लिया, अभी नया शुरू कर रहे हो? हाँ नया है, नया एक्सपीरियंस आपको। हाँ बाद में जाके पता लगेगा आपको है ना। हाँ अभी का क्या एक्सपीरियंस रहा आपको? अभी इसमें हम लोग इतना जानकारी तो नहीं है। अच्छा। लेकिन अभी पहली बार हम लोग लिया है तो इनके भरोसे ले लिया। हाँ इसका भरोसे ले लिया है। अच्छा। तो देखेगा तो अभी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? नहीं हम लोग कितना आसान है मतलब ये करना, अभी देखेगा इसमें अच्छा कैसा लगेगा, अच्छा होएगा हमारा भी फार्म, अच्छा बड़ा फार्म डाल देगा। ऐसा तो हम लोग फार्म है पहले से बना के आया है, लेकिन माल इधर से ले रहा है पहली बार। अच्छा। जैसा कि इन्होंने बोला अभी कि हम पार्टी को साथ में ले जाके उनकी चॉइस के हिसाब से कलेक्शन करते हैं। ऐसा तो हमारा चॉइस के हिसाब से माल दिया है, ऐसा तो नहीं है, अच्छा ही माल दिया है, अच्छा माल देगा, बार बार हम लोग आएगा खरीदेगा। अच्छा। हाँ चलो अभी तो वो बात की बात है, जैसे आपका आप लेके जाओगे उसके बाद का एक्सपीरियंस रहेगा आपका। वो नहीं हमारा कॉन्फिडेंस ये है कि पक्का ये सेकंड बार आएंगे। अच्छा अच्छा माल मिला, खस्सी माल मिला, पहली बात तो ये कि खस्सी माल मिला, क्योंकि अंडू माल लेके जाते हैं तो जैसे खस्सी माल का मतलब ये हो गया कि ये उधर जाने के बाद में माल में कोई वेस्टेज नहीं जाएगा इनका, क्योंकि खस्सी किया हुआ माल है इसका। अगर माल को खस्सी करते हैं तो उसका 4-5-7 किलो वजन लेस होता है, तो उसमें वो चीज़ का नुकसान नहीं होगा इनको। खस्सी किया हुआ माल है। अच्छा तो वेट के हिसाब से दिया या नकद? मैंने वेट के हिसाब से दिया है, हमारे पास वो रेटें नहीं है 220 230 वाली। मैंने बकरों की रेट इनसे 300 रुपये पर केजी लिए, बकरी की रेट मैंने 290 रुपये केजी लिए। A1 क्वालिटी माल दिया है मैंने इसको। तो इसके अंदर फिर वजन का इश्यू तो नहीं आएगा? नहीं नहीं, वजन का कोई इश्यू नहीं आएगा इनको। इनका वहाँ जाके वेट लॉस हो सकता है 2 से 3 किलो, ये मैंने इनको पहले बोला था। अच्छा जी। तो ये अपने फार्म का रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा? बिल्कुल रजिस्ट्रेशन है मेरा। नहीं मैं इनको जो भी मेरा बिल है GST बिल दूंगा मैं इनको। इनका वजन लिखते हो? इनका वेट लिख के दूंगा मैं बिल्कुल बाकायदा। हाँ तो सर अभी लोकेशन वगैरह आप बता दो। जैसे मेरी लोकेशन है अजमेर रेलवे स्टेशन से समथिंग 15 किलोमीटर है, और अजमेर जनाना हॉस्पिटल से 8 किलोमीटर है, नरवर गांव में सिक्कर बाईपास पे। अच्छा तो सर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।